नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं भाईंदर पश्चिम के राधा स्वामी सत्संग के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर अवैध तरीके से बस पार्किंग की गई है। यह बस पार्किंग एक नहीं बल्कि अनेक बसेस यहाँ पर खड़े की गई है। हाल ही में भाईंदर पश्चिम में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में लैंगिक अत्याचार की घटना सामने आई थी। भाईंदर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन अब वहाँ जहाँ बस लगी थी वहाँ तो बस बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन बस ने अब अपनी दिशा और अपनी जगह बदली कर दी है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, ये बसेस पूरी तरीके से अवैध पार्किंग की जाती है। मुंबई के बसेस है, कहीं अंधेरी के हैं, बांद्रा के हैं, जोगेश्वरी के हैं, और भाईंदर पश्चिम में आके यह पार्किंग की जाती है। हमारे साथ में बस के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बस कहाँ की बस है साहब ये? सर मेरा तो बोरेवली का है, नीता ट्रैवल्स का। मैं तो अभी 2 दिन से आया हूँ। यहाँ पर पार्किंग करते हैं आप, आपको परमिशन है यहाँ पार्किंग करने की? सर मेरे को तो मालूम नहीं था, सब लगाने लगे तो मैं भी आ गया था। कितने बस लगते हैं अभी यहाँ? इन लोग डेली आते हैं, इन लोग को मालूम होगा, मैं तो आज आया हूँ। अच्छा, हाँ। करते हैं यहाँ से किसको लेके जाते हो आप? ये अपना बांद्रा कंपनी वाले को लेके जाता हूँ। आपको पता है हाल ही में एक बच्ची के साथ में यहाँ पे लैंगिक अत्याचार की घटना सामने आई थी? सर अभी मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम पड़ा। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। साहब क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, ये बस यहाँ पर पार्किंग की जाती है, आपको परमिशन है कि यहाँ बस पार्किंग? साहब हमको मालूम नहीं परमिशन वगैरह का, यहाँ पहले दूसरा ड्राइवर आता था, मैं अभी 15 दिन हो गया मैं इधर, ये गाड़ी पार्किंग होता मैं भी खड़ा करता हूँ। अच्छा, कहाँ की बस है आपकी? हमारा ये भाईंदर से एम्प्लॉइज लोग जाता है, वो माहिम पोली कैब कंपनी में। अच्छा, आपकी बस कहाँ की है? हमारी बस कांदीवली की है। अच्छा, तो आपने देखे ये बस कांदीवली की है, किसी की बोरेवली की बस है। इस तरह से यहाँ पर अवैध बस पार्किंग की जाती है। अब क्या पुलिस प्रशासन और पालिका प्रशासन क्या और कोई बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहा है? इस तरह का सवाल अब शहर के नागरिक कर रहे हैं। अब हम भाईंदर पश्चिम के महेश्वरी भवन रोड पर, जहां प्लेनेट एरिया कहा जाता है, वो प्लेनेट एरिया में खड़े। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर भी अवैध बस पार्किंग की गई है। इन्होंने अपनी जगह बदली कर दी है, लेकिन ये बस अब यहां पर अवैध तरीके से पार्किंग की जाती है। यहां के सोसाइटी वाले लोगों का भी कहना है कि यहां पर हमने कई शिकायतें की है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से शिकायत की है, बच्चे यहां पर छोटे खेलते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब वो खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पर ये बस कब हटेगी, इस तरह की वो मांग कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मीना अग्रवाल। मीना जी, यहाँ पर बस पार्किंग की जाती है। अच्छा। क्या मांग है आपकी स्थानीय, आप यहाँ पर रहते हैं, क्या मांग नहीं है? यहाँ पे ये बस खड़ी नहीं कर जाए, आते जाते हम लोगों को डर लगता है, कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए, बच्चे भी खेलते रहते हैं, इसके लिए ये बस यहाँ से हटाई जाए। हाँ मतलब इट्स रिस्की राइट, बिकॉज पहले भी इंसिडेंट हुआ है, तो इट इज रिस्की। इस तरह की मांग करना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से कि मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए बस पार्किंग, तो उसके लिए एक अलग फैसिलिटी करो बस पार्किंग के लिए, तो थोड़ा कम रिस्की और सेफ होगा। हर बार ऐसा होता है कि कई बार हट जाती है बस, लेकिन उसके बाद 15-20 दिन या महीना हो जाएगा ना तो वापस लग जाएगी। तो एक बार स्ट्रीक एक रूल पास कर दीजिए, यहाँ पर कम से कम एक बोर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, तो इतना तो हम लोगों के लिए कर सकते हैं। आज ये महेश्वरी भवन से लेके यहाँ तक काफ़ी अंधेरा वगैरह भी होता है, तो उसमें रात के टाइम पे जो लड़कियाँ वगैरह यहाँ से अकेले निकलती है, तो कैसे रिक्शे अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो पहले ऐसा होता था कि भाई चलो नीचे से रिक्शा मिल गई तो निकल जाता है, 60 फीट वगैरह पे वहाँ पर ऐसा है कि भाई रिक्शा मिलती हो जाता है करके, पर यहाँ पर हमको रिक्शा उसकी भी सुविधा नहीं है, तो चलो हम वो नहीं कहते आपको, पर एटलीस्ट कम से कम आप ये तो कर सकते हैं, कहीं अगर कुछ हो, अब तक नहीं हुआ समझ लो, पर कल अगर हो गया तो उसका जवाबदार कौन रहेगा। तो इसके पहले भी कई बार हुआ, वीडियो निकाले हुआ, पर चली भी गई, ऐसा नहीं है बस निकाली भी गई हटाई भी गई, पर 15 दिन में वापस आ जाती है। तो इसके लिए एक बार स्ट्रिक्टली खाली एक वार्निंग दे दी जाए और यहाँ पर एक बस पार्किंग या तो नो पार्किंग जोन ऐसा कुछ तो बनाया जाए, इतनी ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं डिमांड करते हम लोग। यहाँ बस खड़ी करते सबसे बड़ी बात है कि उनको परमिशन है ही नहीं, प्रशासन को बोल बोल के थक गए और समझते नहीं है कि उसके लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर लेडीज आते जाती है, बच्चे खेलते जाते खेलते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना, कुछ दुर्घटना बन के उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को जवाब देखिए हमको, तो हमको बताओ तो हम इसके लिए कुछ बोले फोर्स खड़ा करें, हमको आंदा नहीं है। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? यहाँ से बस नहीं, बस खड़ी नहीं रहनी चाहिए, यहाँ से बस हटनी चाहिए बस।
ये 15 दिन में ऐसा होता है कि भाई कहाँ का बस है ये? थाना का, सीमेंस कंपनी। अच्छा, कहाँ है? रोज आती है बस यहाँ पर? नहीं, आज आया हूँ। अच्छा, पहला दिन। आपको पार्किंग करने का यहाँ परमिशन है? नहीं, हम लोग जाएगा अभी साहब। हाँ, डेली बस आती है यहाँ पर? नहीं, डेली नहीं आता। आज के लोगों का तो कहना है कि डेली बस आती है यहाँ पर? नहीं, डेली नहीं आता। देखिए, ये जो अवैध जो बसों की जो पार्किंग होती है, कल ही हमारे डीमार्ट के मीरा हॉस्पिटल के सामने जो अवैध बस की पार्किंग थी, कल ही हमने वहाँ पर प्रशासन के थ्रू वहाँ पर कार्रवाई करवाई। आज मैं देख रहा हूँ कि वो सारी की सारी बसें महेश्वरी भवन के आगे रोड पर पार्क कर दी गई है। मैंने अभी अभी हमारे जो ट्रैफिक के इंचार्ज है मामे साहब से बात की है, कल मैंने उनसे सुबह मिलने का टाइम लिया है और कल मैं जाकर उनके पास मिलकर इस चीज़ के लिए कार्रवाई की मांग करूंगा, क्योंकि ये जितनी भी बसों की जो अवैध पार्किंग हो रही है, ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग रहेगी। कि ऐसा नहीं है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, कल भी हमारे डीमार्ट के पास में मीरा हॉस्पिटल के सामने कम से कम 5-6 जो बसें थी, मैंने खुद वहाँ पर खड़े होकर कार्रवाई करवाई थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो सारी की सारी बसें इधर महेश्वरी भवन की यहाँ पर पार्क हो गई हैं। तो मैं आज वापस से फिर मैंने उनसे बात की कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। नहीं, देखिए, जगह के लिए भी महानगर पालिका की तरफ से अभी प्रयास शुरू है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमारे जो इनकी पार्किंग के लिए कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर महानगर पालिका की तरफ से की जाएगी। हम हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से ये अवैध तरीके से बस पार्किंग की गई है, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप देख रहे थे YSR न्यूज़। मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।